हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने ओपन बुक एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक गाइडलाइंस जारी की है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम ओपन बुक एग्जामिनेशन से रिलेटेड इस गाइडलाइंस के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है गाइडलाइंस में, ओपन बुक एग्जामिनेशन सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2020, जो आपके ओपन बुक एग्जामिनेशन है सेमेस्टर वाइज दिसंबर 2020 यूजिंग OBE पोर्टल फॉर थर्ड फिफ्थ सेवन्थ सेमेस्टर, ये सिर्फ सेमेस्टर एग्जामिनेशन लिए जा रहे हैं आपके, जो कि दिसंबर 2020 में लिए जाएंगे। ये किन किन छात्रों के लिए है वो सारी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। एसेंशियल रिपीटर्स ऑफ फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर इम्प्रूवमेंट केसेस एंड एक्स स्टूडेंट फॉर ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ ऑल स्ट्रीम्स इंक्लूडिंग NCVAB एंड SOL। तो यहाँ पर दोस्तों, SOL के वो छात्र जिन्होंने अभी थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लिया है, उन छात्रों का, और रेगुलर के वो छात्र जो फिफ्थ सेमेस्टर में हैं और जो सेवन्थ सेमेस्टर में हैं, उन सभी छात्रों का, और जो छात्र फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का इम्प्रूवमेंट या बैक का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो सभी छात्र इस ओपन बुक एग्जामिनेशन में भाग ले सकते हैं। इसके बाद इसमें NCVAB के स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं। दिस इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ नोटिफिकेशन इशू डेट 23 नवंबर, 26 नवंबर एंड 31 नवंबर। ये नोटिफिकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पहले भी 23, 26 और 31 तारीख को आ चुका था। और ये एग्जामिनेशन थर्ड फिफ्थ सेवन्थ सेमेस्टर अलोंग विद एसेंशियल रिपीटर्स, ये एग्ज़ाम जो आपके होने हैं वो तीसरे सेमेस्टर के SOL के लिए, जो छात्र अब तीसरे सेमेस्टर में जिन्होंने एडमिशन लिया है उन छात्रों के लिए, प्लस जिन छात्रों का रेगुलर में एडमिशन है फिफ्थ और सेवन्थ सेमेस्टर में, उन स्टूडेंट्स का, प्लस ऐसे छात्र जो फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के लिए रिपीटर स्टूडेंट हैं, जो बैक का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या एक्स स्टूडेंट जो इम्प्रूवमेंट के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए 12 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, जिसके लिए आपकी टेंटेटिव डेट शीट पहले से ही जारी कर दी गई थी। इसके बाद अगर बात करें इसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स भाग ले सकते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्टूडेंट्स जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं वो, और फाइनल ईयर स्टूडेंट हु हैव बीन अवार्ड ER, फाइनल ईयर के ऐसे स्टूडेंट जिनकी किसी भी सब्जेक्ट में ER आई है, मार्कशीट सेल बी रीअपेयर फॉर द सेम एज पर द डेट शीट अलॉन्ग विद द फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन। इसके बाद फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जिनकी ER आई है वो फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन के साथ इसमें भाग ले सकते हैं। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जिनकी ER आई है वो थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के साथ इसमें भाग ले सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट, द स्टूडेंट हु हैव पास इन देयर फाइनल ईयर, जो कि अपने फाइनल ईयर एग्ज़ाम में पास हो चुके हैं बट वो इम्प्रूवमेंट के लिए फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन में भाग लेना चाहते हैं, तो वो भी इसमें भाग ले सकते हैं। इसके बाद द स्टूडेंट हु आर इन द फाइनल ईयर, जो अभी फाइनल ईयर में है फिफ्थ सेमेस्टर में, कैन अपीयर फॉर इम्प्रूवमेंट, अगर वो इम्प्रूवमेंट के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो अपने थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए इम्प्रूवमेंट भर सकते हैं, वो सिर्फ अपने थर्ड सेमेस्टर के इम्प्रूवमेंट के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद ऐसे स्टूडेंट जो कि इस साल सेकेंड ईयर में हैं और अपने एग्ज़ाम देना चाहते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, तो वो सिर्फ अपने फर्स्ट सेमेस्टर के इम्प्रूवमेंट के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें ये सारी डिटेल बताई गई कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें एग्ज़ाम में भाग ले सकते हैं। ऑल स्टूडेंट मस्ट एंश्योर दैट देयर एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर द रिस्पेक्टिव कोर्स हैव ऑलरेडी बीन फिल्ड, और इसके लिए जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो भरे जाने आरंभ हो गए हैं, और आपका एडमिट कार्ड जो है वो भी आपके जब एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे तो वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे, जिसकी मदद से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद द स्टूडेंट्स शुड रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद देयर कॉलेज और इंस्टीट्यूट
इसके बाद स्टूडेंट को अपने कॉलेज और इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर रेगुलरली अपडेट रहना पड़ेगा, जिससे उन्हें ऑफिशियल नोटिस मिलता रहेगा कि आपके एग्ज़ाम जो है कब होने वाले हैं, और आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, अपडेट है, वो सारी जानकारी आपके मोबाइल में आती रहेगी। इसके बाद आपके जो एग्जामिनेशन लिए जाएंगे, ओपन बुक एग्जामिनेशन, वो कैसे होंगे, आपके असाइनमेंट कैसे बनाए जाएंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। द स्टूडेंट सेल आंसर द क्वेश्चन ऑन A4 साइज पेपर। आपके जितने भी आंसर हैं वो A4 साइज पेपर में मार्क पेज नंबर ऑन द टॉप, आपको हर पेज पे पेज नंबर मार्क करना है। ऑन फर्स्ट पेज द स्टूडेंट सेल राइट द फॉलोइंग डिटेल्स, और आपको फर्स्ट पेज पे कुछ डिटेल्स भी लिखनी है, जैसे कि डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन की डेट और टाइम, आपका रोल नंबर, इसके बाद आपका क्या प्रोग्राम है, एग्जाम्पल फॉर BA, BCom, BSc, ऑनर्स, आपका कौन सा सेमेस्टर है, आपका पेपर कोड क्या है, टाइटल क्या है आपके पेपर का, आपके कॉलेज इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, आपकी ईमेल आईडी क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी होंगी। इसके बाद द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी 4 आवर्स, आपका जो एग्जामिनेशन होगा उसकी ड्यूरेशन 4 घंटे होगी, आउट ऑफ विच 3 आवर्स शैल बी गिवन टू द स्टूडेंट फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन, जिसमें से 3 घंटे आपको क्वेश्चन के आंसर करने के लिए दिए जाएंगे, एंड द रिमेनिंग 1 आवर शैल बी यूटिलाइज्ड फॉर डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर, और 1 घंटे आपको पेपर डाउनलोड करने के लिए दिया जाएगा और स्कैनिंग करने के लिए दिया जाएगा और PDF के लिए अपलोड PDF करने के लिए दिया जाएगा। द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी 6 आवर फॉर द स्टूडेंट बिलोंगिंग टू द दिव्यांग PWD कैटेगरी, कुछ ऐसे स्टूडेंट जो दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 6 घंटे दिए जाएंगे। दोस्तों ये थी इम्पोर्टेंट अपडेट DU की तरफ से, आई होप आपको ये सारी इम्पोर्टेंट अपडेट जो है वो समझ आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।